है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑटो फंडा। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पे आर्टिका जेड एक्स आई वर्सेज आर्टिका वी एक्स आई, हम इसमें डिफरेंस देखने वाले हैं। मेन डिफरेंसेस क्या है उतना ही देखने वाले हैं दोस्तों हम, क्योंकि दोनों गाड़ी के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप देखते हैं यहाँ पे फ्रंट ग्रिल जो तो एक जैसी आएगी दोनों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिका वी एक्स आई है और ग्रे में आपको आर्टिका जेड एक्स आई मॉडल है। अब फ्रंट में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें गाड़ी के फॉग लैंप दिखाई दे रहे थे, जो कि जेड एक्स आई में इंटीग्रेटेड आते हैं, कंपनी फिटमेंट आते हैं। और यहाँ पे जो तो वी एक्स आई में आते नहीं है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में फिटमेंट किए गए हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के टायर साइज की, तो यहाँ पे जेड एक्स आई में आपको ड्यूल टोन अलॉय व्हील मिलेंगे जो कि 15 इंचेस के रहेंगे। वही अगर हम गाड़ी वी एक्स आई गाड़ी में देखेंगे तो वी एक्स आई गाड़ी में हमें जो तो व्हील कैप के साथ आएंगे, ये भी 15 इंचेस का ही टायर है दोस्तों। और वही बात करेंगे दोनों के गाड़ी के साइड मिरर की, तो यहाँ पे आपको साइड टायर इंडिकेटर जो है तो दोनों भी गाड़ी में आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोनों गाड़ी के फ्रंट डोर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डोर हैंडल जो है तो क्रोम प्लेटेड दिखाई दे रहे हैं, जेड एक्स आई में क्रोम प्लेट आ जाएंगे। और वही बात करेंगे वी एक्स आई में, तो वी एक्स आई में हमें जो तो बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते, पर यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में ये फिटमेंट किए गए हैं क्रोम हैंडल्स। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे गाड़ी की बैक प्रोफाइल भी बहुत ही बढ़िया दिखाई देती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वी एक्स आई है, जो वी एक्स आई में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सा लुक दिया है, बहुत ही एलिगेंट और अच्छा सा लुक है। दोनों भी गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम आता है अगर दोनों गाड़ी पेट्रोल होती है तो। और साइड पे यहाँ पे आपने आर्टिका जेड एक्स आई मॉडल है, पर सेंज में होने के कारण यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है। और मेन चेंजेस जो है तो आपको जेड एक्स आई में रियर वॉशर वाइपर आता है और साथ ही साथ गाड़ी में आपको बैकडोर गार्निश आता है जो कि डीप फॉगर के साथ आता है। बाकी के चेंजेस आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ खासा चेंज वगैरह कुछ है नहीं, जो मैंने आपको बताया उतना ही है। अब दोनों भी गाड़ियों में आपको सेंट्रल लॉकिंग और रिमोट लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे वी एक्स आई में आपको जैसे देख रहे हैं इस तरीके की की मिल जाएगी और जेड एक्स आई में आपको स्मार्ट की मिल जाती है। अब बात करते हैं इन गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो यहाँ पे आर्टिका वी एक्स आई में आपको ब्लैक और बेज कलर के कॉम्बिनेशन में इंटीरियर्स मिल रहा है। और स्टेयरिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग पे भी सेम कंट्रोल्स आते हैं दोनों भी गाड़ियों में। साइड में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, आपको ये फेदर टच म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है आपके यूएसबी ऑक्स केबल और ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉलिंग को भी सपोर्ट ये करेगा। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे मैनुअल एसी मिल जाता है और कुछ नीचे पोर्ट दिखाए जाते हैं। बात करते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो यहाँ पे कलर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है जो कि सेम जेड एक्स आई में मिलेगा। जेड एक्स आई में आपको जो तो यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा और बाद में जो स्टेयरिंग है तो स्टेयरिंग के ऊपर सेम कंट्रोल मिल जाते हैं आपको। साइड में आपको म्यूजिक सिस्टम जो मिल जाती है यहाँ पे, ये 17 इंचेस की स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है जो कि एक्स्ट्रा टू ट्विटर के साथ आती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा आपको, बाकी कंट्रोल जो तो वी एक्स आई जैसे सेम मिलेंगे आपको। डैशबोर्ड जो तो आपको टीक वुडन फिनिशिंग के साथ मिल जाता है दोस्तों। अर्टिका वी एक्स आई की सेकेंड रो की हम बात करते थे, यहाँ पे हमें एक्सेसरी सॉकेट मिलता है और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर भी हमें रूफटॉप एसी मिल जा रहा है और जेड एक्स आई में भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। बात करते हैं अर्टिका जेड एक्स आई में, तो अर्टिका जेड एक्स आई में हमें फ्रंट रो में जो तो हैंडरेस्ट मिल रहा है और नीचे हम देख रहे हैं एक्सेसरी सॉकेट भी है और नीचे फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे हमें जगह भी मिल रही है। और बात करते हैं थर्ड रो की वी एक्स आई में, तो थर्ड रो वी एक्स आई में हमें कुछ इस तरीके से व्यू दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें बॉटल होल्डर रखने के लिए जगह है और यहाँ पे हमें एक्सेसरी सॉकेट के लिए पॉइंट दिया गया है, बट यहाँ पे एक्सेसरी सॉकेट है नहीं दोस्तों। बात करते हैं अर्टिका जेड एक्स आई में, तो हमें यहाँ पे अर्टिका जेड एक्स आई में एक्सेसरी सॉकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके मदद से हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अब वी एक्स आई में जब हम सेकेंड रो सीट के ऊपर बैठते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आपको व्यू दिखाई देता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दिखाई देता है दोस्तों। और वही जेड एक्स आई में जब हम पिछले वाले सीट में बैठते हैं, सेकेंड रो सीट पे बैठते हैं, तो कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है हमें सामने का, जो कि वुडन फिनिशिंग की वजह से जो तो बहुत ही बढ़िया और प्रीमियम लुक दिखाई देता है दोस्तों। आई होप आपको एक कंपैरिजन वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।